हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू चीनाज किचन। चलिए आज बनाते हैं दही भल्ले एक ट्विस्ट के साथ। दही भल्ले हम बनाएंगे ब्रेड से और उसमें स्टफिंग करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। ब्रेड के दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और इनको बनाने में लगते हैं सिर्फ 5 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भल्ले बनाने के लिए मैंने लिए 4 ब्रेड स्लाइसेस जिनको मैंने कटोरी की हेल्प से गोल काट लिया है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, किशमिश, बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटे हुए काजू। अब हम एक एक करके सभी ब्रेड्स के दोनों साइड अपनी उंगलियों से या ब्रश से हल्का हल्का पानी लगाएंगे। बेलन की हेल्प से उसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। हमें बेलन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करना है। इस तरह से हम अपनी सारी ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है स्टफिंग की। तो स्टफिंग के लिए हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर 2 से 3 दाने किशमिश, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू रखेंगे, और रैप करने के लिए ब्रेड के चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने से हमारी ब्रेड अच्छे से रैप हो जाएंगी। इस तरह से हम अपने हाथों से ब्रेड को चारों तरफ की अंदर की ओर रैप कर देंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे भल्लों को रेडी कर लेंगे। भल्ले बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए अब तैयारी करते हैं इनको सर्व करने की। इसके लिए मैंने एक बॉल में पीस लिया हुआ दही लिया है, इमली की चटनी ली है, धनिया की चटनी, अनार के दाने, भुना हुआ जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और काली मिर्च। अब सबसे पहले बॉल में भल्ला लगाएंगे, उसके ऊपर दही डालेंगे। थोड़ी सी धनिया की चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी, कुछ अनार के दाने, हरा धनिया, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नमक।